यहाँ पे खाई जा रही है रास्ते में कचौड़ियाँ। वेलकम बैक टू आप। तो फ्रेंड्स आज है थर्ड डे यानी आज है मामा की शादी और आज है 8 नवंबर। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, मैंने कुछ इस टाइप का आउटफिट वेयर किया है और शादी की तैयारियाँ हो चुकी है। अंदर जो कुछ छोटे मोटे रिचुअल्स होते हैं वो हो रहे हैं, वो मैं आपको अंदर दिखाऊंगी। और बैंड वाले भी आ चुके हैं, आप देख सकते हैं घोड़ी भी तैयार है। बस मामा के साथ लोग पिक्स वगैरह क्लिक करा रहे हैं, मैं भी अंदर जा रही हूं पिक्स वगैरह क्लिक कराने के लिए। उसके बाद आपको मिलती थोड़ी देर बाद के लिए, बस मामा को लेकर आना है। अब हम चलते हैं अंदर, बहुत से लोग पिक्स वगैरह क्लिक करवा रहे हैं। तो पता नहीं आपको मेरी वॉइस आ रही है नहीं आ रही, क्योंकि शोर बहुत ज्यादा हो रहा है इसीलिए। हाय करो, हाय। अमीर से होती है। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं कि मामा का जो है फोटोशूट्स वगैरह चल रहा है और उनको किया जा रहा है तैयार। और आप यहाँ देख सकते हैं मेरी मम्मी को करना है मामा का आरता, तो इसलिए मम्मी आरती की प्लेट सजा रही है, उसमें दिए वगैरह ये सब जला रही है। मम्मी करेगी मामा का आरता। अब जो है मम्मी आ गई है, मामा का करेंगी यहाँ पे आरता। प्यारा भैया मेरा दूल्हा राजा बनके आ गया, प्यारा भैया मेरा। सो फ्रेंड्स, फाइनली मम्मी ने मामा का टीका कर दिया है। अब जो है मम्मी मामा को पहनाएगी नोटों का हार, जो कि पहनाती है बहन। अब यहाँ पे किया जा रहा है मामा का आरता। उसके बाद जो बना है शिवाला यानी मेरा भाई, मेरी मासी का लड़का, उसका भी होगा टीका। दोनों मामा और भांजे का हो गया है आरता। अब जो मेरी मामी जी हैं वो डालेंगी मामा जी की आंखों में शाई, क्योंकि ये जो शाई डालने का काम होता है वो भाभी को ही करना होता है दूल्हे की। और अब यहाँ पे आ गए हैं दूल्हे के बड़े भाई यानी मेरे बड़े मामा, जो कि अपने भाई को पहनाया उन्होंने भी नोटों का हार। और साथ में जो खड़ी हैं वो खड़ी हैं मेरी परनानी। फ्रेंड्स, फाइनली मामा आ गए हैं बाहर, क्योंकि अब मामा को बिठाया जाएगा घोड़ी पे, उसके बाद चलेगी बरारा। तो मामा को बिठाने की हो रही है घोड़ी पे तैयारी, और यहाँ पे आया है घोड़ी को खिलाने के लिए गुड़ और चने, जो कि खिलाएगी मेरी मम्मी। बन गया साडा बरखुरदार, घोड़ी चढ़ गया ओए, चढ़ गया छटके मोटर कार से। सो फ्रेंड्स, फाइनली मामा चढ़ चुके हैं घोड़ी पे, अब होगी बारात को ले जाने की तैयारी। और आपको मैं बताया था इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है आप लोगों को, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक वॉच कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। और ये जो है मेरे मौसा जी मेरी पर नानी को ऊपर से लेके आ रहे हैं, क्योंकि हर कोई वार फेर कर रहा था तो उनको भी लेके आए वार फेर करने के लिए। और ये अपना पूरा जमाई वाला पूरा कर्तव्य निभा रहे हैं यहाँ पर। Thank you.
माथा टिकवाया जाएगा। अब मामा को उतार लिया जाएगा घोड़ी पर से, उसके बाद सब जाएंगे बस और गाड़ियों के अंदर बारात में इंजॉय करते हुए। तो इसलिए वीडियो में बने रहिएगा। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारी है बस, तो चलिए आपको दिखाते हैं बस कुछ अंदर से। ये ना हमारी बस। मासी क्या तुम बारात में चलने के लिए रेडी हो? बट देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो जो टाइम था हमारी बारात चलने का वो था 11 बजने का, बट बारात अभी तक निकली नहीं है क्योंकि टाइम हो रहा है 1:30 बजे और डेढ़ अभी हमें यहीं पर ही बज गया। देखो धीरे धीरे बाराती आ रहे हैं। पीछे बैठिए बस में। दादी अम्मा नमस्ते। चलते आइए अंदर, चलते आइए। चलो 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 बैठा। अपना अपनी फैमिली देख लो भाई, को रह गया तो सलाम नहीं आ रही। सलाम नहीं आ रही। मैं छोड़ दो तो फ्रेंड्स फाइनली जो है मोस्टली लोग बस में आ चुके हैं, बट अभी कुछ लोग और भी हैं जिनका हम वेट कर रहे हैं। और वैसे तो मेरी मम्मी को जाना था गाड़ी में क्योंकि दूल्हे की बहन जो उसके साथ ही जाती है, बट मम्मी को करना था हम सबके साथ इंजॉय क्योंकि बारात है दूर की और सब जाते हैं इंजॉय करते हुए, इसलिए हमने कहा मम्मी तुम हमारे साथ ही चलो। तो प्लीज वीडियो में बने रहिए। बोला बस चल चुकी है, देखो अब हम जा रहे हैं बारात में। अच्छा खींच गई। ओए बोलो सब लोगों को बांट रहे हैं ब्रेड पकोड़े क्योंकि लोगों को लग रही है भूख, और साथ में हम उनको दे रहे हैं टमाटो सॉस भी। देखिए अभी गाड़ी रुक गई है क्योंकि लोग खा रहे हैं खाना पीना। मैं आपको दिखाती हूँ चोरी पे क्या खाया जा रहा है। यहाँ पे खाई जा रही कचौड़ियाँ, यहाँ पे खाई जा रही है रास्ते में कचौड़ियाँ। हाँ भाई ब्रेड पकौड़ा नहीं मिलेगा तुम्हें? ब्रेड पकौड़ा इन्होंने भी ब्रेड पकौड़ा खाया है, दो दो ब्रेड पकौड़े खाए हैं और साथ में खा रहे हैं कचौड़ियाँ। झूठ बोल रही है। अभी बजे से घड़ी में कितने 3 बजे और उनको इतनी भूख लग गई है और बारात अभी पहुँचेगी 8-9 बजे, तो पता नहीं इनका क्या हाल होगा। 8, 9, 10 और 11 भी बस में जो है सब लोग हो रहे थे बोर, तो हमने सोचा क्यों ना हम खेले सब मिलके अंताक्षरी। तो हमने ए टीम और बी टीम बनाई है, तो देखते हैं इस टीम में कौन विजेता होता है। अभी जो है हमारी बस रुक गई है टोल पे और ये जो पॉपकॉर्न वाले भैया, इनको लगा कोई ये सरकारी बस है, बट ये बस के अंदर आ गए और ये पॉपकॉर्न सेल करने लग गए, तो इस वजह से हमने सबने ही पॉपकॉर्न परचेज कर लिए। एक ही दोगी और दे दो ना। देखियो एक दे दिया, एक दे दो और देखियो एक दे नहीं।
तो अभी जो यहाँ पे जब टोल के पास वो पॉपकॉर्न वाले भैया आए थे तो मामी जी ने सबको दिलवाए थे पॉपकॉर्न। तो देवर और भाभी की यहाँ पे चल रही है मस्तियाँ, तो आप देखिए किस तरीके से ये मस्तियाँ कर रहे हैं। इमली का बूटा मेरी कबे, इस जंगल में हम दो शेर, हम है तो आगे क्या होते, चल घर जल्दी हो गई देर, रात को रा रा भाभी जी लगाए, भाभी जी ने मम्मी दो डाल
शुरू। ये लोग तो सो रहे हैं। आगे कहाँ जाए, तीन बजे सो या छह बजे उठ गया एक दिन पहले। सो फ्रेंड्स, हम फाइनली अभी जो है अभी गढ़गंगा से आगे पहुंचे हैं और अभी हमने रास्ते में एक ढाबा था, वहाँ पे हमने बस रुकवाई है। तो अभी सब लोग जो है जिसको चाय पानी वगैरह करना है या फ्रेश वगैरह होना तो यहाँ पे सब लोग चले गए हैं और अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पे कम से कम 10-15 मिनट बस रुकेगी, उसके बाद हम फिर से जाएंगे। क्योंकि अभी जो हमें पहुँचना जहाँ पर है वहाँ पे पहुँचने हमें लगेगा 1.5 घंटा और लगेगा। यानी बारात जो चली हुई है वो चली हुई है 1:30 बजे से और अभी घड़ी में बज रहे 6:30 और अभी तक बारात नहीं पहुँची है। तो बारात मेरे ख्याल से 8 या 8:30 बजे तक पहुँचेगी, तो इसलिए वीडियो में बने रहेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक किए बगैर ना जाइए। तो अभी सब लोग यहाँ पे घूम रहे, थोड़ा रिफ्रेश फील सा कर रहे हैं। शाम हो चुकी है और सबको फिर से लग रही है भूख, तो सबके लिए मंगाई गई है चाय और चाय के साथ दिए जा रहे हैं सबको फिर से ब्रेड पकौड़े। फ्रेंड्स, हम आ गए बस में, चाय आ चुकी है और हम खा रहे हैं चाय से ब्रेड पकौड़े क्योंकि हमें लग रही है भूख और टाइम हो गया 6:30 और बारात अभी तक नहीं पहुंची है। बारात को जाने में भी लगेगा 1-1.5 घंटा, तो इसलिए लग रही है भूख, तो सबके लिए रेडी किया गया है ब्रेड पकौड़े। तो मैं खा लेती हूँ फिर पहुँच के आप पहुँचेंगे। आप बताइए, आप कितने घंटे हो गए बस में बैठे हुए? 7 घंटे आपको बस में बैठे हो गए, आपको कैसा लग रहा है? बहुत बोर लग रहा है। बट आप यहाँ तो गाने सुन रहे, भजन सुन रहे, मजा आ रहे हैं, आनंद आ रहा है। अच्छा चलिए ठीक है, अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि काफी टाइम बाद हमारे को ये अपने सब फैमिली से मिल जाएगा। 7 घंटे से बस में बोरिंग इसलिए हो रही है कि हमें कुछ मिला नहीं। क्या नहीं मिला खाने के लिए? अभी बस में सारा रिकॉर्ड हुआ है, आपने ब्रेड पकौड़े खाए हैं, चाय पी है, हाथ में हजम गोली खाई है। मैंने कुछ नहीं खाया ना, वीडियो में सब रिकॉर्ड हुआ है। तुमने खाया? आपने खाया? हाँ जी। क्या क्या खाया है? ब्रेड पकौड़ा और मूंगफली और भाभी जी के बोले बोले। अच्छा और पॉपकॉर्न। अच्छा फुल्ले पॉपकॉर्न अलग अलग होते हैं? नहीं नहीं, वो क्या होती है, मुझे चिप्स। हाँ। और हाजमा जब गोली वो नहीं खाई। वो नहीं खाई? क्यों नहीं खाई? क्योंकि हाजमा खराब हो जाएगा ना, हमने चिकनाई वाली चीजें खाई। अच्छा अच्छा चलिए बताइए, 7 घंटे से आप बस में बैठे, आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो अच्छा लग रहा है। देखो क्यों अच्छा लग रहा है? फुल्ले खाए हमने, फुल्ले खिला दस दस के, 3-3, 4-4 बारी। अच्छा भाभी जी को सुरती खिलाई है हमने ऐसे बना बना करके। और आपको कैसा लग रहा है मुझे बताइए? सबसे बेकार लग रहा है। क्यों लग रहा है बेकार? सबसे ज्यादा खिलाया और मारो भाई, ऐसा नहीं खिलाया, कुछ नहीं खिलाया। हमें 4 रोटी खिलाई बस कल रात को। अच्छा, 4 रोटी के बाद हाथ हैंड्स अप कर दिए इन्होंने कि हाँ हम नहीं खिला सकते इससे ज्यादा कुछ। क्यों? डर गई इनके बस की नहीं है। अच्छा खिलाई नहीं पाई, चाय भी हो निकला घर अपने। अब आप बताइए आपको कैसा लग रहा है? मुझे अभी छोटे पैर तक अच्छा लग रहा था, लेकिन अब मुझे बुरा लग रहा है, मुझे नींद आने लग गई। अच्छा अच्छा चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अंकल जी आपको कैसा लग रहा है 7 घंटे तक बस में बैठे हुए हैं? बहुत बढ़िया लग रहा है। चलिए ठीक है। और आप लोगों को कैसा लग रहा है 7 घंटे तक बस में बैठे? और यहाँ पे पार्लर खुल चुका है, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए और यहाँ पे देखिए मेकअप चल रहा है, यहाँ भी पार्लर खुल गया है क्योंकि बस जो पहुँचने वाली है। और भाई आप बताइए आपको कैसा लग रहा है? अरे बताओ तो सही पहले कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। आप बताइए कैसा लग रहा है 7 घंटे से? बहुत बोर लग रहा है मुझे, तो भी अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे उसको। अच्छा मामा जी आप बताइए 7 घंटे से आपको कैसा लग रहा है? बस इंतजार देख रहा हूँ मैं तो। किस चीज का? रास्ता कब खत्म होएगा? अच्छा जी, सारी पब्लिक
और आप बताइए आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। चलो बढ़िया है, इनका मेकअप सही है। और आप लोग बताइए आपको कैसा लग रहा है? 7 घंटे से आप बस में ट्रेवल कर रहे हो। मजा आ गया आज, बहुत मजा कभी नहीं मिला आज के इतना। हाँ जी नानी, आप बताओ कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है। क्यों आ रहा है इतना मजा? हवा लग रही है, चाय पी है। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये देखिए, ये बस में सोते हुए जा रहे हैं, क्योंकि इनके से कैसा लग रहा है बस में बताइए, कुछ तो बोलिए, दो लफ्ज। मामा जी ऐसा लग रहा है पी के बैठे हो आप। सच्ची में ऐसा लग रहा है, मामी देखेंगे तो वो उठा देंगे आपको। अच्छा पंडित जी, आप बताइए आपको कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। आप इंजॉय करते हुए चल रहे हैं? हाँ जी। आपने कुछ खाया पिया? बहुत खाया सब। भूख तो नहीं लग रही है आपको? नहीं, चलिए ठीक है, तो चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि बस में हर किसी ने अपने अपने तरीके से एंजॉय किया है, और मैं अपना बताती हूँ कि मैंने जो है इस बस में फुल एंजॉय किया, क्योंकि हमारे घर की लास्ट शादी यानी इसके बाद कोई लड़का नहीं है हमारे यहाँ, क्योंकि लास्ट पर आती है, सबने बहुत एंजॉय किया। तो आप वीडियो में कंटिन्यू रहेगा, मिलते हैं आपको। हम तुम एक कमरे में बंद हो, नहीं चल रही है हो गया है। हस्ता हुआ लूरानी चेहरा, काली जुल्फे रंग सुनहरा, जवानी सभी लोग बस से उतर चुके हैं और बारात जो हमारी पहुंची है वो पहुंची है 10 बजे। और अब जो है सब थोड़ा अपना हल्का फुल्का टचअप कर रहे हैं, कोई अपनी साड़ी ठीक कर रहा है, कोई अपने हेयर स्टाइल ठीक कर रहा है, उसके बाद चलेगी बारात। और ये जो आप देख रहे हैं ये है रथ। दिल्ली में तो आप लोगों को पता है किस टाइप का रथ होता है, बट जो यूपी का रथ होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, इसमें फुल लाइटिंग होती है और बहुत ही सुंदर ये रथ लग रहा था जिसपे मामा जी बैठे हुए थे। और यूपी में क्या होता है ना, बैंड बाजा होता है वो थोड़े अलग तरीके का होता है, जो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। यहाँ पे आपके ट्रक के अंदर डीजे बजाए जाते हैं और एक होता है सिंगर जो खुद ही मुँह से गाने गाएगा और आपको उन्हीं के गानों पर डांस करना होता है।
अब हम पहुंच चुके हैं पंडाल में और अब हम खाएंगे खाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। घड़ी में बज रहे हैं 11 और सभी को लग रही है भूख। तो यहाँ पे मैं ले आई हूँ अपने लिए प्लेट, जहाँ पे मैंने काफ़ी सारी आइटम्स लिए खाने के लिए। खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। फाइनली मामा और मामी जी आ गए हैं स्टेज पे। अब होगी वरमाला। मैं मूवीज के सॉन्ग इसलिए नहीं डाल सकती, नहीं तो मेरी वीडियोस पे आ जाएगा कॉपीराइट। बट वीडियो में आप बने रहिए। अब जो हमने खाना पीना खा लिया था और सभी लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, क्योंकि 10 घंटे का सफ़र तय करके आए थे, तो सभी लोग आ गए आराम करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि हमारी कुछ जो नानियाँ हैं वो सो गई हैं और बाकी जितनी मेरी मासी मामियाँ हैं और मेरी बहनें हैं वो सब लोग यहाँ रजाइयों में बैठ गए हैं, क्योंकि ठंड जो है बहुत ज़्यादा हो रही थी और रात के बज रहे थे 3, इसलिए सब लोग यहाँ पर आके रेस्ट करने लग गए हैं। थोड़ी देर सब रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर सबको भेज दिया जाएगा। देखिए आप सब लोग, शादी का जो फंक्शन है वो हो चुका है और अब हम यहाँ गए धर्मशाला में। तो आप देख सकते हैं कि सब कैसे धर्मशाला में बैठे हुए हैं, कोई सो नहीं रहा है। अपने वालों में भी कोई सो नहीं रहा है, अभी फेरे भी नहीं हुए। अगर हम फेरों में गए देखने के, तो मैं आप लोगों से फेरों का भी ब्लॉग शेयर करूंगी, नहीं तो मैं वीडियो को यहीं पर ही एंड करूंगी, क्योंकि वीडियो तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। अगर वीडियो बनाया तो आप लोगों से जरूर शेयर करूंगी। सो फ्रेंड्स, हमारी जो है
रात के हमने फेरे वगैरह नहीं देखे हैं क्योंकि बस को वापस दिल्ली लेके हमें जाना था। और अब जो है बस वहां से चली थी 4 बजे सबको लेकर के, और अभी बज रहे हैं सुबह के 7। तो 7 बजे हम आ गए हैं एक ढाबे पर, यहाँ पे हम पियेंगे सब चाय, तो ताकि थोड़ा रिफ्रेश वगैरह हमें फील हो क्योंकि काफी सबको नींद आई, इससे सो भी नहीं पाए। तो हम पियेंगे यहाँ पे चाय पानी कुछ, फिर हम जाएंगे सीधा घर पे। आप देख सकते हैं सुबह का बुलंदशहर का व्यू कितना अच्छा हो रहा है। अभी हम जो है बुलंदशहर पहुंचे हैं। देखिए फ्रेंड्स, सभी लोग जो है धीरे धीरे करके आ रहे हैं, और ये जो है ना मेरी सिस्टर, मामी, मासिया वगैरह, ये ऑलरेडी पहले आकर के यहाँ बैठ गए हैं चाय पीने के लिए। और सबको लग रही है खूब ज्यादा ठंड, आप देख सकते हैं कैसे ओढ़ ओढ़ के बैठे हैं ये। चाय मिली तुम्हें? कुछ नहीं मिला, अभी लंगर आएगा तुम लोगों के लिए। यहाँ पिज्जा नहीं मिलता, ले रहे हैं चाय का मजा, आप देख ही सकते हैं। गरम हो रही है, चाय का कलर तो दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है। अब देखते हैं चाय हम पी करके। तो चाय का जो टेस्ट है वो बहुत ही टेस्टी है, और बहुत ज्यादा गर्म हो रही है चाय, और इस वेदर में ना बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है हम सबको एंजॉय करते हुए, क्योंकि इस टाइप के मोमेंट्स जो होते हैं ना फैमिली के साथ वो बहुत कम ही मिलते हैं हमें, तो इसलिए हम काफी ज्यादा एंजॉय भी कर रहे हैं। तो इस व्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे खत्म, मिलती हूँ आपसे अपने न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए, और जिसने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है शादी से रिलेटेड, जैसे कि फंक्शन था या हल्दी वाली, तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, वहां जाके देख सकते हैं। गला मेरा हो गया खराब, इसलिए मैं वीडियो यहीं पे फिनिश करती हूँ। बाय।